नमस्कार, मैं नियाज खान। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने हाल ही में शादी की है। अपनी सालों पुरानी दोस्ती को रिश्ते में बदलने वाले तेजस्वी शादी की वजह से ही इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। यूं तो ये शादी बेहद प्राइवेट रखी गई थी, लेकिन इसमें कई राजनीतिक हस्तियों ने भी शिरकत की थी। तेजस्वी की चट मंगनी पट ब्याह को लेकर उनके मामा साधु यादव ने सवाल उठाए थे, जिसका जवाब तेज प्रताप यादव ने दिया है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, हम बिहार आएंगे तो उनका गर्दा उड़ा देंगे, हिम्मत है तो सामने आकर कृष्ण से भिड़े। कंस का वध निश्चित है, भगवान ने भी कंस का वध किया था। जब जब अर्जुन पर विपदा आई है, कृष्ण सामने खड़े हुए हैं। तेज प्रताप ने यह भी कहा, रुका हम आवतनी बिहार तो गर्दा उड़ाई तोहार, बुजुर्ग बाड़ा तनिक औकात में रहल सीखा, पजामा से बाहर आवे के कोनो जरूरत नहीं खे। तेज प्रताप यहीं पर शांत नहीं हुए, उन्होंने कहा उनको हम सब की कामयाबी से जलन हो रही है, पब्लिक उनको खूब गाली दे रही है, किसी के बहकावे में वे आ गए हैं। 15 साल में इन जैसे लोगों ने बदनाम करने का काम किया, ये भूल गए हैं कि शिल्पी कांड में इनका नाम था, प्रकाश झा ने इन पर फिल्म बनाई थी, अपनी औकात भूल गए हैं। बेटी की शादी की तो हम लोगों को नहीं बुलाया था, उसका नतीजा भोग रहे हैं। किनके वजह से बिहार में पैदा हुए हैं भूल गए हैं। दूसरे पर आरोप लगाने से उनको क्या फायदा, किसी के व्यक्तिगत जीवन में पड़ने से क्या मतलब है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की शादी पर निशाना साधते हुए उनके मामा साधु यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस वक्त वो काफी गुस्से में हैं, लालू परिवार पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। साधु यादव हाल ही में यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव हैं और लड़की क्रिश्चियन है, दोनों ने लुका छुपी कर शादी की, न ढोल बजा न काट बटा। साधु यादव की इन्हीं तंज भरी बयानबाजी पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप ने ये जवाब दिया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने दिल्ली में शादी की है। बताया जा रहा है कि उनकी दुल्हनिया का नाम रचेल था, जिसे अब राजेश्वरी कर दिया गया है। लालू को ईसाई धर्म से दिक्कत थी, इसलिए पहले रचेल का धर्म परिवर्तन कराया गया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।